ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कायरन पोलार्ड, वेस्टइंडीज की वनडे और टी20 टीम के कप्तान, दुनिया के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी, 500 टी20 खेलने वाले दुनिया के पहले और इकलौते खिलाड़ी पोलार्ड के बारे में हम सभी लोग ये सब बातें जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब पोलार्ड के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन पैसे आए तो विवाद भी जुड़ रहे, क्योंकि ये बल्लेबाज आज़ादी के साथ खेलना चाहता है, अपने मन मुताबिक खेलना चाहता है। एक वक्त ऐसा था जब पोलार्ड का टी20 औसत सिर्फ 17 का था और वनडे तो उससे ही उभरा 11.30 का, लेकिन पोलार्ड ने हार नहीं मानी और क्रिकेट को अपनी मुट्ठी में कर लिया। क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, हर मुश्किल से जंग लड़ते हुए खुद को दुनिया का सबसे एक कामयाब टी20 क्रिकेटर बनाया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, शुरू करते हैं। 12 मई 1987 को ट्रिनिडाड के टकारी गुआ में पोलार्ड का जन्म एक अकेली माँ के घर में हुआ, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दो छोटी बहनों के साथ उन्हें पाला। पोलार्ड के जन्म के समय ट्रिनिडाड में उनके घर के हालात बहुत खराब थे। क्रिकेट खेलने के लिए पोलार्ड को बहुत सारे त्याग भी करने पड़े, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट एक बहुत महंगा खेल था। टुनापुना पियार्को में जिस जगह पोलार्ड का बचपन बीता, वो जगह ड्रग्स, गैंग वॉर और बंदूक की नोक पर क्राइम और खेल के दीवानेपन के लिए पहचानी जाती थी। पोलार्ड के सामने दो रास्ते थे, एक गलत और दूसरा उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक करने वाला। पोलार्ड ने दूसरा यानी खेल का रास्ता चुना। पोलार्ड को देखकर आपको सबसे पहले क्या याद आता है? वो लंबे लंबे छक्के, और ये अदा उनके पास बचपन से थी, बड़े छक्के लगाने की नेचुरल एबिलिटी। और इसे पहचान मिली सेकेंडरी स्कूल में, जब उनकी इस हार्ड हिटिंग ने सबका ध्यान खींचा। वैसे इस बड़े टी20 प्लेयर के लिए कहा जाता है कि वो अपने करियर की शुरुआत में सिर्फ टेस्ट और वनडे क्रिकेट के बारे में ही सोचता था। उनका सपना था कि वो पहले TNT के लिए खेले और फिर वेस्टइंडीज टीम में जगह बनाए। साल 2006 में पोलार्ड को वेस्टइंडीज की अंडर-19 टीम में खेलने का मौका मिला, मगर फर्स्ट क्लास और लिस्ट चेक क्रिकेट से भी पहले उन्हें प्रोफेशनल टी20 मैच खेलने का मौका मिल चुका था। अपने बचपन में जिस तरह के क्रिकेट को वो पहचानते भी नहीं थे, उनकी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द ही लिखी जाने वाली थी। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए वो स्टैनफोर्ड टी20 टूर्नामेंट में खेले। उस मैच में उनकी बैटिंग तो नहीं आई, लेकिन उन्हें एक विकेट ज़रूर मिला। इसके बाद पोलार्ड पर नज़र पड़ी सिलेक्टर्स की, और पोलार्ड को 20 साल की उम्र में सन 2007 में वेस्टइंडीज की वनडे टीम में मौका मिल गया। लेकिन इसके साथ ही क्रिकेट अपनी दिशा बदल रहा था, टी20 क्रिकेट मैदान पर आ चुका था। उसी साल टी20 विश्व कप भी खेला गया, और यही वक्त बना पोलार्ड की ज़िंदगी का बदलने वाला वक्त। एक मैच जो हुआ 2008 में, जिसने पोलार्ड को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाई, स्टैनफोर्ड और इंग्लैंड के बीच, जब पोलार्ड ने दो विकेट लिए और इंग्लैंड की टीम सिर्फ 99 रनों पर ढेर हो गई। स्टैनफोर्ड की टीम ने इस मैच को 7.2 ओवर में 10 विकेट से जीत लिया। इस सीरीज के बाद पोलार्ड को करीब $1 मिलियन मिले और पोलार्ड की निकल पड़ी थी। फिर पोलार्ड को ग्लोबल पहचान दिलाने वाला दूसरा मौका आया भारत में, जब 2009 चैंपियंस लीग में IPL की टीमों के अलावा न्यू साउथ वेल्स और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की टीम ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में NSW ने 20 ओवर में 170 रन बनाए, जवाब में TNT की टीम ने 15.2 ओवर में 118 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए। सातवें नंबर पर उतरे पोलार्ड ने उस मैच में सिर्फ 54 गेंदों में 81 रनों की ऐसी पारी खेली कि मैच को 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया। इस मैच में पोलार्ड की पारी की बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इस मैच में ब्रिटली, मोइसेस हेनरिकेस, डग बोलिंजर और स्टुअर्ट क्लार्क जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स की गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाया था, और इसी पारी ने पोलार्ड को IPL फ्रेंचाइजीज की नज़रों में चढ़ा दिया। बोली लगी और मुंबई इंडियंस की टीम ने $7.5 लाख की रकम पर पोलार्ड को अपने साथ जोड़ लिया। मुंबई इंडियंस ने इतनी मोटी रकम ने पोलार्ड का खेल के प्रति नज़रिया ही बदल दिया। उन्होंने मुंबई टीम से जुड़ने के बाद कहा था, IPL में शामिल होना, जहां पर इतनी बड़ी कीमत वाले खिलाड़ी खेलते हैं, मेरे लिए काफ़ी संतोषजनक है। IPL में मुझ पर लगी बोली के बाद क्रिकेट के लिए मेरी मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ खेलना है। पर अब थी विवाद की बारी। साल 2010 के आसपास टी20 लीग्स में शानदार खेल की वजह से पोलार्ड का वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ टकराव हो गया। दरअसल पोलार्ड लीग में भी खेलना चाहते थे और वेस्टइंडीज के लिए भी, लेकिन वेस्टइंडीज बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का सीधा मतलब ये था कि उन्हें हर वक्त वेस्टइंडीज के लिए खेलने के लिए उपलब्ध रहना होगा। साल 2010 में आखिरकार पोलार्ड ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से वेस्टइंडीज बोर्ड के साथ उनकी खटास और बढ़ गई। उन्होंने वेस्टइंडीज बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया। दरअसल वेस्टइंडीज बोर्ड चाहता था कि पोलार्ड समरसेट के साथ खेलने के बजाय इंग्लैंड के ए दौरे पर टीम के साथ रहें, लेकिन पोलार्ड ने इस शर्त को नहीं माना।
उस दौर में वेस्टइंडीज के ग्रेट माइकल होल्डिंग ने पोलार्ड पर कड़ा हमला बोला था। होल्डिंग वैसे भी टी20 क्रिकेट के आलोचक रहे हैं, पोलार्ड बोर्ड के साथ करार नहीं कर रहे थे और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इतना ही नहीं, बोर्ड के साथ करार नहीं करने के फैसले की वजह से एक बार वेस्टइंडीज क्रिकेट के एक प्रशासक ने पोलार्ड से पूछ लिया था, तुम एक लेजेंड की तरह याद किया जाना चाहते हो या फिर एक भाड़े के क्रिकेटर के रूप में। जिसके जवाब में पोलार्ड ने कहा था, मैं अपनी काबिलियत के साथ इंसाफ करूंगा और इस वक्त मैं दुनिया भर में जाकर खुद के खेल को बैक करूंगा। हालांकि पोलार्ड वेस्टइंडीज के लिए वनडे क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने टी20 क्रिकेट भी खेला, लेकिन वो उस समय वेस्टइंडीज के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही रहे, जिससे वो लगातार दुनिया भर में टी20 क्रिकेट खेल सकें। अपने इस फैसले पर एक बार पोलार्ड ने कहा था, मैंने अपने इस फैसले के लिए दुनिया भर की मीडिया की आलोचना सुनी, दुनिया भर में लोगों के निशाने पर रहा, लेकिन मैं वो दिन देखने के लिए जी रहा हूं जब क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर दुनिया भर में टीमों के लिए टी20 खेलेंगे, जबकि उनके अंदर काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बाकी होगा। ऐसी चीज़ों के लिए किसी को भी पहल करनी थी तो मैंने कर दी। क्रिकेट इतिहास में 500 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के इस इकलौते खिलाड़ी ने अब तक 30 टीमों के लिए क्रिकेट खेला है। 50 टी20 मैचों में पोलार्ड के नाम 10,000 रन है। इतना ही नहीं, टी20 क्रिकेट में तो पोलार्ड ने 279 विकेट भी चटकाए हैं। भले ही पोलार्ड कभी टेस्ट टीम में नहीं आ सके, साल 2016 से 2019 तक इस खिलाड़ी को वेस्टइंडीज टीम की शक्ल भी नहीं देखने को मिली, लेकिन सेलेक्टर्स के बदलते ही 2019 में उनकी टीम में वापसी भी हुई, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ पोलार्ड को वेस्टइंडीज की वनडे और टी20 टीम का कप्तान बनाया गया। अपनी जिंदगी के मुश्किल बचपन को याद करके ही पोलार्ड आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पोलार्ड ने एक बार कहा था, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा परिवार भी उसी हालात से गुजरे जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैं जब भी मैदान पर उतरता हूँ तो उनकी प्रेरणा मुझे परफॉर्म करने का जज्बा देती है। पोलार्ड की कहानी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।